लगाए दैया। बन्ना लगाए दे बेटा। अम्मा तेरा बेटा फौज में भर्ती होने वाला है, जहाँ बड़े बड़े बम फटेंगे, वहाँ आएगी उसके हाथ चुमने। तू ऐसी बात करता है बेटा, हमारा जी बैठ जाते है। माँ जी, ही लो आ गई हमार सहारा, हमारी पड़ोसन। अरे बिटिया रानी, थोड़ी देर पहले आई होती तो चाय बना लेती, देखो भैया जी ने अपना हाथ जला लिया। कहाँ? हट, हाथ पकड़ने के पीछे पड़ी रहती है। अरे दिखा ना। नहीं माँ जी, हाथ पकड़ने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। क्या मतलब? ये अच्छी तरह से जानते हैं हम क्या बात कर रहे हैं। अरे ये अपना कोई काम हमें नहीं करने देते, चाय बनाते हैं खुद, ताड़ी के लिए पानी खुद ही गर्म करे, बटन भी टाके अपने कुर्ते में, नाड़ा निकल जाए तो ब्रूस से डाले, और हमारी नजर इधर उधर हो जाए तो बैठ के अपना कुर्ता बनियान खुद ही धो ले। क्यों जी, आप ये सब क्यों करते हैं? अम्मा, होश संभालने से पहले 8-10 साल तूने सब कुछ किया, अब जब मैं सब खुद कर सकता हूँ तो तुझे क्यों करने दूँ? जनरल मनोज पांडे, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ औरतें करती हुई अच्छी लगती हैं। बिल्कुल सही कहा। देख बेटा, एक बहू लिया, तू भी खुश हो जाए और हमारे भी काम हो जाए। आज के जमाने में ऐसी बहुएं मिलती कहाँ अम्मा? अरे मिलती है, हमने तो देख रखी है। अच्छा? पसंद भी कर ली। कौन? हाँ जी, सिर्फ एक नाम नहीं लेना, हेमा, नहीं तो आपके बेटे के तेवर बिगड़ जाएंगे। मैं चली। अरे कहाँ चली? माँ जी दाल रखी है, बैठूंगी उसके सामने, इंतजार करूंगी कि कब दाल गल जाए।